ऑफ कोर्स मैं इसीलिए आया हूँ ताकि आई कुड टॉक अबाउट माय लव लाइफ टुडे. मुझे भी मौका आएगा कि मैं भी ऐसा गाना किसी को गा पाऊंगा, लेकिन होपफुली जो एंड रिजल्ट जो इस वीडियो में हुआ है वो मेरे साथ ना हो. बहुत ही दिल पे छूने वाली बात होती है एक तरफा प्यार. अभी तो खैर कोई लव लाइफ है नहीं, अभी सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ है. वो जो सवाल पूछता हूँ ना तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं मुझे. अब फ्री में ये जवाब आपको नहीं दे पाऊंगा. करण एंड द एंटायर टीम बिग कंग्रेट्स. जैसे टाइटल है तुम्हें प्यार करूंगा, करण आपने आपके शो में बहुत से लोगों की लव लाइफ के बारे में बहुत सी बातें की है. हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे, समथिंग अबाउट योर लव लाइफ. और आपने कभी कहा था तुम्हें प्यार करूंगा, मतलब इन अ रोमांटिक वे टू समवन? ये तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट. एंड ऑफ कोर्स मैं इसीलिए आया हूँ ताकि आई कुड टॉक अबाउट माय लव लाइफ टुडे, एंड आई लाइक टू टेक 2 hours ऑफ योर टाइम. और लेकिन जोक्स डोंट माइंड कि मैं शुरू हो जाऊँ. नहीं, जोक्स असाइड, अभी तो खैर कोई लव लाइफ है नहीं, अभी सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ है. लेकिन यू नो मे बी Fortunately, hopefully the universe conspires. मुझे भी मौका आएगा कि मैं भी ऐसा गाना किसी को गा पाऊंगा, लेकिन होपफुली जो एंड रिजल्ट जो इस वीडियो में हुआ है वो मेरे साथ ना हो. क्योंकि क्योंकि एक तरफा जो खूबसूरत है, बहुत ही दिल पे छूने वाली बात होती है एक तरफा प्यार, लेकिन ना गुजरे तो बेहतर है. नहीं, पर इट कुड बी एनी वे, लाइक इट कुड बी इन योर स्कूल कॉलेज टाइम, ऐसा जरूरी नहीं अभी की बात कर रहा हूं. बट एनी आई डोंट थिंक आप मेरे लव लाइफ के बारे में क्यों जानना चाहते हैं सर? थोड़ा बहुत आप भी तो, अभी तो हम आपसे जानते हैं बहुत सारी चीजें आपके शो में. वो सवाल सवाल पूछने के लिए मुझे बहुत सारे पैसे मिलते हैं सर, मैं अगर, भी कर रहा अगर तो इसीलिए वो जब मैं शो करता हूँ वो जो सवाल पूछता हूँ ना तो बहुत सारे पैसे मिलते हैं मुझे. अब फ्री में ये जवाब आपको नहीं दे पाऊंगा. देसी ज्यादा कुछ लगता तो है नहीं, क्योंकि इनकी संगीत जो है, इनकी आवाज जो है इतनी मैजिकल है, सुनते ही प्यार सा हो जाता है इनकी आवाज से. और फिर ये इनकी खुद की एक पर्सनैलिटी है, तो आई थिंक उन दोनों बातों का मिश्रण अगर आप करें तो इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि इनमें वो टैलेंट है, वो पर्सनालिटी है जो बहुत इनको आगे ले जा सकता है इंडियन एंटरटेनमेंट म्यूजिकल इंडस्ट्री में. तो ज़्यादा इंस्टिंक्ट या ज़्यादा ऐसी परख की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि उनकी आवाज़ सुनते ही, मैंने एक बार सुनी उनकी आवाज़ और उनसे कहा कि आप एक गाना मुझे भेज दो दिल से गा के. अजीब बात यह है कि उन्होंने चन्ना मेरिया पे मुझे पहला गाना भेजा, और फिर उनका पहला जो वीडियो है वो भी एक तरफा प्यार पे बना है. तो आई थिंक लक्ष्य की जिंदगी में और एक तरफा प्यार और आशिकी का कोई ना कोई तो कॉमनैलिटी है.